बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारा चाइनीज दुश्मन है, तो वो है चाइना। दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्माता कौन बन गया है? तो चीन बन चुका है दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्माता। मतलब दुनिया के अंदर सर्वाधिक कार निर्मित कहाँ होती है? तो वो होती है चाइना के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे स्विमिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो स्विमिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है एन जय प्रकाश को। किसको चुना गया है? एन जय प्रकाश को। नेक्स्ट है, बांग्लादेश और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चट्टोग्राम शुरू हुआ है? तो बांग्लादेश और अमेरिका के बीच एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, यानी कि जो नेवी है, कौन है? नेवी, उसके बीच में, नौसैनिक मतलब जो पानी वाली सेना है, उनके बीच एक अभ्यास हुआ है, उसका नाम है चट्टोग्राम शुरू हुआ है अमेरिका और बांग्लादेश के बीच के अंदर। नेक्स्ट है, किस देश के प्रधानमंत्री ने महिला वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है? तो नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने महिला वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शासन लागूदारी पहल शुरू की है? तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? फडणवीस। फडणवीस है, उद्धव ठाकरे को तो हटाई दिया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी वो सरकार बनी हुई है, इतने बेसर लोग है बीजेपी वाले। खैर, अपन को क्या लेना देना है, अपन तो जो है बात कर रहे हैं। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शासन लागूदारी पहल शुरू की है? तो महाराष््ट्र के मुख्यमंत्री ने लागू की है, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस है और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहां आकाशवाणी ने गोंडी बोली में साप्ताहिक बुलेटिन जारी किया है? तो आकाशवाणी जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, गवर्नमेंट जो प्रदर्शनी कंपनी है, क्या बोलते हैं उसको, रेडियो स्टेशन है आकाशवाणी, ठीक है, जिन्होंने हाल ही में गोंडी बोली में साप्ताहिक बुलेटिन जारी किया है, वो क्या है? छत्तीसगढ़ के अंदर, और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार नहीं है, मतलब देश के 16 राज्यों के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। खैर, पूछा तो नहीं जाएगा कि देश के कितने राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, तो आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर कोई ज्यादा 3-5 करे तो उसको बोल देना कि कोई ऐसे बोले कि हाँ इस बार तो बीजेपी आएगी, इस बार भी मोदी सरकार, तो बोल देना, बोले 16 राज्य में तो है नहीं, ठीक है, और आने वाले टाइम में वो भी नहीं रहने वाली, आने वाले टाइम में 2024 में बीजेपी नहीं रही। नेक्स्ट है, जेवलिन रैंकिंग में दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा बन चुके हैं, ये क्वेश्चन मैंने कवर कर ही लिया है, रिपीट मैंने इसलिए कर दिया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए एग्जाम के अंदर आ सकता है, इसलिए मैंने रिपीट कर दिया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के राज्यपाल ने पार्टीशन फ्रीडम पुस्तक का विमोचन किया है? पार्टीशन फ्रीडम पुस्तक का विमोचन किया है, तो असम के जो राज्यपाल हैं, ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि असम के राज्यपाल कौन है? पार्टीशन फ्रीडम पुस्तक का विमोचन किया है, तो असम के राज्यपाल हैं ये, और पार्टीशन फ्रीडम का पुस्तक का विमोचन किया है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि एक तो ये राज्यपाल है, दूसरे ये भारत की आज़ादी से संबंधित है। पार्टीशन फ्रीडम यानी कि जब भारत के दो टुकड़े किए गए थे 1947 के अंदर, उसके आधार पर, उसके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है। तो एक तो राज्यपाल के द्वारा लिखी गई है, एक भारत की आज़ादी के ऊपर लिखी गई है, और असम का ये राज्यपाल है, तो इस वजह से ये पुस्तक इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट है, किस राज्य के कपिलेश्वर मंदिर को ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है? तो जो कपिलेश्वर मंदिर है वो है उड़ीसा के अंदर। कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर, और उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, कौन सी राजधानी है? भुवनेश्वर, उसको मंदिरों का स्वर्ग कहा जाता है, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक, और यहां पर भी बीजेपी की सरकार नहीं है, और नवीन पटनायक को उड़ीसा के अंदर हराना नामुमकिन है, ठीक है, जब तक जीवित है नवीन पटनायक तब तक तो उड़ीसा के अंदर ना तो कांग्रेस आ सकती है और ना ही बीजेपी आ सकती है। नेक्स्ट है और अंतिम क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है? तो देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट बनाया जा रहा है झारखंड के अंदर। कहाँ पर? झारखंड के अंदर। तो ये थे हमारे टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन, आई होप आपको पसंद आएंगे। थैंक यू।